मैं शुरू से सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ विगत 20-25 वर्षों से। मैं पहले कल्चरी समाज में थी और रोटरी की भी बहुत ज़्यादा काम करा, JCC में काम किया, खुद का इंस्टीट्यूट चलाया, करीब 35,000 महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करा, 250 एपिसोड हमारी सहेली के बनाए और कुछ काम करते करते कब यहाँ तक आ गई। 2000 की बात है, तब मैं IDA में मेरा पहला पद था। जब मैं कांग्रेस में आई तो इंदौर विकास प्राधिकरण में सदस्य बनी, वहाँ पर डायरेक्टर बनी और वो मेरी राजनीतिक शुरुआत थी पहली। और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। प्रदेश में सचिव, फिर महासचिव, जनरल सेक्रेटरी बनी, अब वाइस प्रेसिडेंट, और उसके पहले 2007 में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी और विभिन्न पदों पर विभिन्न सब जगह काम करते करते आज इस मुकाम पर यहाँ पहुँचे। लड़ चुकी हूँ और अभी भी समाज में कभी राजनीति करना नहीं चाहिए और राजनीति में हमेशा समाज सेवा करना चाहिए। समाज सेवा उद्देश्य था, इसलिए राजनीति जरूरी। राजनीति में आपको क्या क्या अनुभव, कैसा अनुभव? राजनीति क्या है, लेकिन काम करने वालों के लिए एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। जो काम करना चाहते हैं, जो ज़्यादा लोगों के लिए मदद करना चाहता है, यदि वो ये सोच के आता है तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है और उसमें बहुत बहुत बड़ा मैदान है काम करने के लिए। एक संगठन का भी काम होता है, एक चुनाव की फील्ड भी होती है, ऐसे बहुत सारे उसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, जिस जो आपको पसंद हो आप चुन सकते हैं। और अभी तक तो हमारी सरकार नहीं थी, विगत 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो संगठन का काम बहुत सीखा, बहुत करा, इस बहन पूरे मध्य प्रदेश में घूमने में मिला। कई कठिनाइयाँ आती है परंतु यदि आप पढ़े हो और आपका लक्ष्य सही है और आपको जाना कहाँ है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। या बहुत लोगों के पास पहुँच के बहुत लोगों को दिशा और दशा दे सकते हैं। मैं चाहती थी, मैं देखती थी हमेशा कि मैं काम कर सकती हूँ तो दूसरी महिला क्यों नहीं कर सकती है, यदि वो बहुत अच्छा काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो वो देख के मुझे लगा कि महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है। महिलाएँ काम करना चाहती हैं परंतु उनको एक सही प्लेटफॉर्म और सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो काम नहीं कर पाती, जिनमें काफ़ी सारा उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन उनको हो जाता है। इसीलिए मैंने फिर एपिसोड भी बनाया हमारी सहेली, कि हम और आप सहेली हैं, हम आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं वो हम देखें। तो उसके बाद पैरा लीगल क्लिनिक की भी स्थापना करी कानूनी सलाह केंद्र की, कि कई महिलाओं को कानूनी जागरूकता नहीं रहती है, उनके अधिकार क्या हैं वो उनको पता नहीं होते, जिस कारण उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमने कांग्रेस में रहकर भी हमारी सहेली का बहुत उपयोग किया, हमारी सहेली हेल्पलाइन भी बनाया और लोगों को जागृति और जागोरी नाम से किताबें निकाली। इस सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको पता नहीं इसलिए आप उसको अवेयर नहीं कर पाते, कि शासन ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बनाई हैं। तो कई पढ़ी लिखी महिलाओं को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, तो उस चीज़ में हम लोग करते गए। आप किसी भी फील्ड में रहें तो आपको काम करने के ऑप्शन मिले, अच्छाई बुराई तो आती रहती हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं, कौन सी हवा को आप आने देते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो आपको लगता है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, क्योंकि आप 50% वोटर तो महिलाएं हैं और आप वोट डालना चाहते भी हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जब हम वोट भी डालते हैं तो हम सिस्टम के अंदर क्यों ना आए। जब आप सिस्टम के अंदर होंगे तब आप महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, महिलाएं को शिक्षित करना है कि नहीं, महिलाओं को जागरूक करना है कि नहीं, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है। तो महिलाओं की जो योजना है, यदि महिला पदाधिकारी बनाए, महिला विधायकगण बनाए, महिला सांसद बनाए, महिला अफसर बनाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि महिलाओं की योजना भी अक्सर पुरुष बन सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की परेशानियाँ अपनी अलग तरह की होती हैं। जैसे यहाँ पर एक रेम्बा अस्पताल है, बहुत बड़ा है, जब 5 लाख आबादी थी तब इंदौर में बना था, अब 25-40 लाख आबादी हो गई इंदौर की, वही महिला है, वही अस्पताल है, वही महिलाओं की उतनी जगह, क्यों ना महिलाओं का एक अलग अस्पताल हो, क्योंकि महिलाओं की अपनी परेशानियाँ अलग होती हैं, उनकी उनके स्वास्थ्य की उनकी बहुत सारी पेचीदियाँ अलग तरह की होती हैं, डिलीवरी होती है तो भी उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप सबके साथ सामूहिक रूप से उनको रखते हैं तो उनकी अच्छी केयर नहीं हो पाती है। तो यदि महिला विधायक होगी, महिला मंत्री होगी या महिला कुछ होगी तो वो अपना सोचेगी कि कई महिलाओं की, तो मैंने सोचा MTH महिला प्रसूति गृह बनना चाहिए, तो हम लोगों ने उसकी तवज्जो करी और आज MTH महिला प्रसूति गृह 50 करोड़ की लागत से MTH महिला में वो उधर स्थान पर खुला हुआ है, यातायात थाने के पास में है। तो एक महिला का अलग अस्पताल हो, महिलाओं को शिक्षा में भी, उनको यदि कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए कैसे फंड करना है, यदि उनको रोज
रोजगार लगाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उनको रोजगार मुहैया कराना है, इसी उनको कानूनी सलाह देनी है तो कैसे महिला स्वास्थ्य, महिला शिक्षा, महिला अधिकार, महिला जागरूकता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो महिलाएं कर सकती हैं, इसलिए महिलाओं को राजनीति में भी आना चाहिए क्योंकि वो एक परिवार को लेकर चलती है, सबका महिला सोचती है। आप समाज से भी रही हैं, आपने समाज के लिए कई कार्य किए, महिलाओं के लिए किए, तो ऐसी कुछ योजना या ऐसा कुछ काम जो आप कर रही हैं और इससे लोगों को लाभ हो सकता है हमारे जनपद? बिल्कुल, कई बार हमने देखा है कि सरकार की तरफ से भी और बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थानों की तरफ से मैं स्वयं बहुत सारी महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करा, बहुत चीज़ें सिखाई। जब हम उनको सिखा देते हैं तब उनको बना देते हैं, जब अपने प्रोडक्ट बनाने लगते हैं तो प्रोडक्ट को सेल कहाँ करें? हर महिला इतनी सक्षम नहीं होती कि वो अपनी दुकान खोल सकती है या बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बना सकती है या कुछ कर सकती है, फाइनेंशियली दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि इतना बड़ा शहर है तो सब चीज़ देते हैं। तो हमने एक महिला उद्यमी हाट की स्थापना करी, दिल्ली के जैसा हाट बाज़ार होता है कि कोई महिला आई, यदि वो थोड़ा सा बड़ी कपड़े भी बना रही है या फिर कपड़े उसने बनाए तो वो कहाँ बेचेगी जाए। तो हमने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला उद्यमी हाट की स्थापना सन 2000 में मालवा मिल के परिसर में करी थी, 20 दुकानों पे लेके, कि कोई महिला आए एक महीने के लिए दुकान ले लें, किराए पर ले लें नॉमिनल किराए पर, वो अपना सामान बेचे फिर वो चली गई, फिर दूसरी महिला उसको ले ले। तो ये बहुत अच्छी योजना थी। फिर बाद में जो सरकार आई उन्होंने भी हाट के नाम से, उन्होंने मध्य प्रदेश हाट के नाम से भोपाल में भी एक हाट बाज़ार खोला। और मैं चाहती हूँ इस तरह की योजना है, महिलाओं को हम सशक्त बनाते हैं, जैसे जेल में हम लोग अभी स्कूल चलाते हैं कैदी महिलाओं के लिए। तो जब मैं आज से 10-15 साल पहले जेल में गई, महिला जेल में, तो पता चला कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी जेल में थे कैदी महिलाओं के, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको कुत्ता बिल्ली भी नहीं मालूम था कैसे होता है। तो उन महिलाओं के लिए फिर हमने सोचा तो KG1 और KG2 की क्लास चालू करी, मैं समाज कल्याण बोर्ड में थी केंद्र में। तो मैंने सोचा ऐसे प्रोजेक्ट होना चाहिए, चाहे हमारी सरकार रहे चाहे हमारी सरकार नहीं रहे, प्रोजेक्ट चलते रहना चाहिए। उस प्रोजेक्ट के तहत जो बनाए, जो मुझे पसंद के प्रोजेक्ट है, जेल में कैदी महिलाओं के बच्चों के लिए स्कूल, और उन बच्चों को वहाँ से ले जाओ KG1 KG2 पढ़ लें तो कई बच्चे DPS में भी डाले, तो ये अभी तक स्कूल चल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत पसंद है वो पाकर है, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है यहाँ पर, तो वहाँ खंडवा रोड पर, तो वहाँ एक बाका घर बनाया है। कई महिलाएँ ऐसे निराश्रय थे जिनका कोई नहीं है, जो जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम है वो कहाँ जाए, कई बाहर से आती हैं, कई आवारी से आ जाती हैं, कई बार कई मुझे लगते हैं कि यहाँ खाने में कई बाहर की महिलाएं आ जाती हैं, तो उनको रखने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो कोई आप भी रखेंगे, मैं रखूँगी, मैं 2-4 दिन रख लूँगी, एक महीना रख लूँगी, तो कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट पर पाका घर बना जो आय भी संचालित हो रहा है, तो वो जब तक वहाँ रह सकती हैं जब तक उनको रहना हो, तब उनको लगता है कि वो जाना है तो वो जा सकती हैं, वहाँ वो काम भी करती हैं, रहती हैं। बाका घर जैसा जैसे माँ का घर होता है वैसे बाका घर है, और वो अभी भी संचालित हो रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद है, अभी भी मैं उसमें काम करती हूँ, और महिला हेल्पलाइन के लिए काम करती हूँ, इसमें 3,500 केस अभी तक कर चुकी हूँ। कोई भी महिला यदि वो थोड़ी भी पारिवारिक लड़ाई होती है, यदि वो थाने में जाती है तो उसका तो और प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो थाने में नहीं जाके पहले हम लोग के साथ काउंसलिंग कर लें, और उसका हम लोग कहीं निःशुल्क काम करते हैं, हम कभी कोई भी पैसा नहीं लेते कहीं भी किसी से भी। तो पहले मैं सिर्फ मेरे समाज में करती थी, आज इस तरह से फेमस हो गया हमारी सहेली और महिला हेल्पलाइन कि हर समाज की महिलाएँ आती हैं और उनकी बात को गुप्त रखा जाता है। जो किरण बेदी की वो चला था हमारी अदालत, उसमें भी बहुत सारे केस गए थे, जो जाने थे उनकी कहानियाँ भी केस फाइल वहाँ गए थे। ये आपका राजनीतिक जीवन था, आप पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है? देखिए, कोई भी महिला यदि काम करती है तो जब तक उसको फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो उसको बाहर नहीं जाना चाहिए काम करने, ऐसा मेरा मानना है। यदि वो घर संभाल सकती है तो वो बाहर भी संभाल सकती है। तो मेरी फैमिली, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और तीनों मैरिड वाले स्टूडेंट हैं, डेली कॉलेज से पढ़े हुए हैं, दो बच्चे इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर हैं, और सब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और सब सेल्फ डिपेंडेंट हैं। उनको शुरू से सिखा दिया गया था कि यदि मम्मी काम करती है तो आपको कैसे काम करना है, यदि आप पास हुए तो अच्छा, फेल हुए तो मम्मी का काम आएगा, पापा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट लेवल उनका बहुत हाई है और वो लोग बहुत अच्छे से अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हस्बैंड को भी देना चाहूँगी, सास ससुर को भी, कि यदि आप जिस परिवार में आते हैं यदि वो परिवार आपको सपोर्ट करता है तो आप काम कर सकते हैं। यदि आप कितने भी होशियार हों, यदि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़ी रुकावट आएगी, थोड़ी नोकझोंक होगी, आप जाएंगे पर तो आप मेंटल पीस नहीं रह पाएगा। यदि आपको मेंटल पीस में रहना है और काम भी अच्छे से करना है तो आपको पारिवारिक सपोर्ट चाहिए। आप उनको समझा सकते हैं कि मुझे काम करना है पर तो मेरी जवाबदारी भी मुझे पता होना चाहिए। तो हमारी जवाबदारियाँ, हमारे दायित्व, उनके साथ साथ
आप बाहर भी काम कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से निभाई और मुझे आज कहीं भी कोई टेंशन नहीं रहता है। कहीं भी कभी भी बाहर जाती हूँ तो, क्योंकि मेरा हर चीज़ है घर पर, मैं अकेली हूँ और मेरे बच्चे हैं और मेरे सास ससुर भी साथ में रहते हैं, वो 85 ईयर्स ओल्ड हैं और साथ में रहते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सबको अपने अपने दायित्व समझते हैं, बच्चों को अपने समझते हैं, मम्मी को अपने, पापा को अपने, सास को अपने और ससुर जी को अपने, तो सब जब अपने अपने दायित्वों का वहन करते हैं तो अच्छे से होता है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है कि बहू को बेटी मान लें और बेटी को बहू मान लें, बोलने में अच्छा लगता है परंतु सबकी बेटी के कर्तव्य अलग है, बहू के अलग है, दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है, कोई का भी किरदार बदल नहीं सकता है, सब अपने अपने किरदार यदि सही तरीके से करते हैं तो काम अच्छे से चलता है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आगे आप जनता की सुविधा के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं राजनीति में मैंने देखा कि हम लोग बोलते हैं राजनीति में ये लोग अच्छे नहीं हैं या वो लोग अच्छे नहीं हैं या कैसे लोग आ गए, तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो हम क्यों नहीं जाए, तो जब अच्छे लोगों को झाड़ू लेके निकलना चाहिए सफाई करने, समाज की सफाई, देश की सफाई, शहर की सफाई, राजनीति में। तो मैंने सोचा मैं इंदौर शहर में हूँ और इंदौर शहर अहिल नवाजा का शहर है और यहाँ पर मैंने देखा कि शहर तो बड़ा होते जा रहा है परंतु उस तरह की सुविधाएं शहर को नहीं है जिस तरह की सुविधाएं शहर को मुहैया होनी चाहिए। शहर बढ़ता गया, ट्रैफिक बढ़ता गया, सड़कें वही हैं परंतु यातायात बढ़ गया, परिवहन की सुविधा नहीं है। अपने से छोटे छोटे शहरों में मेट्रो आ गई, मेमो रेल आ गई, सारी सुविधाएँ बन गई परंतु हमारे क्षेत्र में फ्लाई ओवर नहीं बने। मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यदि मैं यदि कभी ईश्वर ने चाहे मैं बनी और तो मैं शहर में एक बहुत बढ़िया बस स्टैंड बना के देंगे, बहुत अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, बच्चों का अलग, महिलाओं का अलग, शिक्षा भी केंद्र इस तरह से होने चाहिए कि समान शिक्षा मिलना चाहिए, मेरे बच्चे भी पढ़ पाएँ, मेरे काम करने वाले लोगों के भी बच्चे पढ़ पाएँ। और शिक्षा यदि हमने अच्छी दे दी, स्वास्थ्य यदि हमने अच्छा दे दिया तो अपने आप शहर की तस्वीर अच्छी हो जाएगी और देश की तस्वीर अच्छी हो जाएगी। इस सरकारी स्कूलों में आप देखिए जगह बहुत रहती है परंतु लोग कोई भी चाहेगा तो वो प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा डालना चाहता है, सरकारी स्कूल में नहीं, परंतु मैं चाहती हूँ सरकारी स्कूल भी इस तरह से हो कि वो प्राइवेट स्कूल को मात दे दे, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास होता है तो क्यों नहीं स्कूल अच्छे हो जाते हैं। तो मैं अपन कभी भी आए और उस क्षेत्र में आए तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, परिवहन के लिए, आवागमन के साधन के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि शहर लोगों के लिए आना जाना सुगम हो। स्वच्छता तो है ठीक है, स्वच्छता में नंबर वन इंदौर है, इसका प्राउड है हम लोग को, परंतु ट्रैफिक में भी नंबर वन होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर वन होना चाहिए, नौकरी देने के लिए भी नंबर वन होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। हमारे पास 25-50 कॉलेज हैं, एजुकेशनल हब बन चुका है इंदौर, बच्चे बाहर से बहुत आ चुके हैं परंतु क्राइम रेट बढ़ गया है, उनकी रहने की सुविधाएँ अच्छी नहीं है, उनको के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उनकी जितनी मुहैया होना चाहिए वो साधन होने हैं। तो हम लोग को ये फैसिलिटीज देना ही जन नेता का, विधायक का, मंत्री का, सांसद का, मेयर का, जन सुविधाओं को देना उनका मकसद होना चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव जीत के नेता बन जाना। आप एक महिला हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर होना चाहिए, हर महिला को अपने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कुछ ना कुछ दिन में एक घंटा स्वयं के लिए काम करना चाहिए, उसको अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे सब चीज़ अच्छे से काम करके आगे जाना चाहिए और अपनी लिमिट पता होना चाहिए, अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचनी आनी चाहिए और कुछ ना कुछ उसको लक्ष्य रह के आगे बढ़ना है तो काम करना चाहिए, अपने परिवार को भी संभालना चाहिए। क्योंकि मैंने राष्ट्रपति जी से भी बात करी जो प्रतिभा पाटिल जी थी, बोली मैं तो चाय भी मैं स्वयं बनाती हूँ, तो महिला है, महिला के अपने अधिकार होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको रहते हुए भी उनको काम करना चाहिए और अपने बच्चों को, लड़का लड़की को जो है एक साथ समान रूप से उसको पालना चाहिए, क्योंकि आजकल सब महिलाएं काम करती हैं तो लड़कों को भी काम करते आना चाहिए। यदि महिला खाना बना सकती है तो पुरुषों को भी थोड़ा बराबरी से, क्योंकि अभी ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए और ऐसा कभी भी महिला को नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत कुछ पढ़ लिए अब उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के हर फील्ड में, हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। यदि मैं यदि चाहती तो जब मेरा ज़माना था तब कंप्यूटर नहीं थे, तब हम लोग को मैंने पूरा जो अभी टेक्नोलॉजी आई है उससे हम लोग फ्रेंडली नहीं थे, पर तो होना पड़ा। यदि आप व्हाट्सएप में नहीं है, ट्विटर में नहीं है, फेसबुक में नहीं है तो आप समझ लीजिए आप पीछे धकेल दिए जाएंगे। तो हम लोग को अपडेटेड अभी आज भी वो अपडेटेड होते रहना पड़ता है और हर कोई नई चीज़ को महिलाओं को सीखते ही होना आना चाहिए और ऐसा कोई हुनर उसके हाथ में होना चाहिए कि कब कभी कोई जरूरत पड़े तो अपने पैरों पर खड़े। कोई अच्छा या बुरा अनुभव राजनीतिक जीवन? देखिए राजनीति में आए हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि हर चीज़ आपको पॉजिटिव तो नहीं मिलेगी जी।
और संघर्ष तो हर जगह करना पड़ेगा। आप सोचें कि कोई भी चीज़ आपको मिल भी जाए एक बार मिल जाएगी अच्छे से, परंतु उसको वो आपको मेंटेन करने के लिए काम करते रहना पड़ेगा। एक बार जब आप फर्स्ट आ जाते हैं तो फर्स्ट क्लास को मेंटेन करने के लिए आपको पूरे टाइम काम करते रहने पड़ता है। तो कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, परंतु मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि खराब अनुभव कमी हुए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कर्मशील महिला शुरू से हूँ, काम में बहुत विश्वास रखती हूँ और काम को ही अपना आधार मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मेरे आगे मेरे वंशता में मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं गया था, मैं स्वयं से ही चल के आई। तो मुझे थोड़ी परेशानियाँ तो आई, परंतु मैंने उसको फेस करा और उसको लगा कि नहीं मैं खुद से आई, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कोई गॉड फादर जैसे होते हैं वो नहीं था कि आपको समय समय पर रोज़ कोई गाइड करे। तो सीखते सीखते आ गए, परेशानियाँ हैं और जब परेशानियाँ और चुनौतियाँ आती हैं तभी आप सीख पाते हैं। आप घर पर बैठ के कुछ भी नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो राजनीति हो, चाहे आपका काम करने की जगह हो, चाहे आप ऑफिस कर रहे हो कोई, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, परेशानियाँ हर जगह हैं, परंतु उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। और जब जो भी उसको जाता जाएगा आगे, और जितनी बार आप गिरे उतनी बार आपको उठते आना चाहिए और स्वयं को उठना है, स्वयं को बढ़ना है। मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप कभी भी निराश ना हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि हमको सत्यता के साथ काम करना है, सकारात्मक सोचना है और आगे बढ़ते जाना है। हमको कभी भी किसी का खराब करने के लिए नहीं बनाया है, अच्छे काम करने के लिए बनाया है। और कुछ ऐसा भी करना है, इतना भी नहीं झुकना है कि कोई हमको चल के चले जाए, इतना भी नहीं करना है कि हम टूट जाएँ। सो हमको बैलेंस बना के चलना है, ज़िंदगी सारे कामों का ऐसा सरगम के हिसाब से है, उसको जितना अच्छे से जिए ये हमारे स्वयं के हाथ में है। हम उसको खराब भी कर सकते हैं स्वरों को, और स्वरों को अच्छा भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। आज हमने बात करी कांग्रेस की नेता जो महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, मिसेस अर्चना जायसवाल जी से। ghamasan.com में हम आपको मिलाते रहेंगे और भी ऐसे लोगों से। बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।